जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया था क्लास थर्ड एक्सप्लेनेशन, पूरा चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया था। ठीक है, अब इसकी करेंगे हम एक्सरसाइज। तो सभी लोग अपनी नोट्स निकाल लें और टेक्स्ट बुक निकाल लें। ठीक है, तो पहले ये ओरल क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इनको करना नहीं है। ठीक है, और बाकी जो टेक्स्ट बुक पर करना है वो टेक्स्ट बुक पर करेंगे, और जो नोटबुक पर करना है बता देंगे तो नोटबुक पर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, मतलब कि मौखिक बताना है आपको। ठीक है, दिया गया व्हाट आर स्टार्स, तो आप लोगों ने पढ़ा है ना स्टार क्या होता है, नहीं पढ़ा, चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। पीछे पेज नंबर 6 पर आ जाइए, पेज नंबर 6 में, पेज नंबर 6 में देखो क्या दिया गया है यहां पर। अ स्टार इज अ बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस विद हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ओन। देखो दिए गए मिल गया ना आंसर इसका। तो क्या है स्टार, क्या होता है स्टार, एक चमकता हुआ दिखता है ना आपको आकाश में, चमकता चमकता तारा होता है जिसमें हॉट बर्निंग गैसेस होती हैं, मतलब गरम गरम जलती हुई गैसेस होती हैं, जो मतलब कि चमकता हुआ हमको दिखता है वह स्टार होता है। ठीक है, और इसकी खुद की लाइट होती है। चलिए सेकंड दिया गया है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम, नेम देम, कितने प्लैनेट्स हैं। हाँ, 8 प्लैनेट्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा है ना। चलो पीछे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अरेनस और नेपच्यून। देखो ये सारे हो गए प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट आपने पढ़ा है। ठीक है, तो वो हमारा ओरली क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आते हैं बी नंबर पर। बी नंबर में देखो क्या दिया गया है, सभी लोग अब अपनी टेक्स्ट बुक पर ही करेंगे। ठीक है, अभी ओरल वाले क्वेश्चन हो गए, अब आपको टेक्स्ट बुक पर करना है। नोटबुक आप रखे रहोगे, आंसर द फॉलोइंग नोटबुक पर करेंगे। चलिए दिया गया है इस पर द सन, टिक द करेक्ट करना है, जो भी टिक हो सही हो उस पर टिक कर देना है। द सन द मून एंड द स्टार्स आर लाई इन, मतलब किस पे लाई होते हैं ये। ठीक है, मतलब कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ स्थित होते हैं, तो ये स्पेस में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर द डॉट डॉट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, कौन सा ऐसा स्टार है जो नियरेस्ट स्टार है। हाँ, ये सन है, क्यों आपको पता होना चाहिए, सन भी हमारा एक स्टार है, वो भी जलता रहता है, उसमें भी हॉट बर्निंग गैसेज होती हैं, वो पृथ्वी के पास होता है, तो नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ हो गया। मून तो नहीं है, अर्थ भी नहीं, अर्थ तो पूछ ही रहा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो साइज में लार्जेस्ट है, बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, देखो देखेंगे विनस, मार्स एंड जुपिटर, तो कौन सा है, जुपिटर, जुपिटर पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, सीरियस इज डॉट डॉट टाइम्स ब्राइटर देन द सन, तो क्या होता है, 20 टाइम ब्राइटर होता है। ठीक है, सन से 20 टाइम ब्राइटर होता है, मतलब ज्यादा चमकदार होता है, 20 पे टिक कर लेंगे। द टेल्ड स्टार आर कॉल्ड, टेल्ड स्टार क्या होते हैं हमारे, कॉमेट्स होते हैं। ओके, आगे पीछे वाले चैप्टर में आपने, सॉरी एक्सप्लेनेशन में आपने पढ़ा है, देखो यहां पर लिखा भी है द टेल्ड स्टार आर कॉल्ड कॉमेट्स। ठीक है, तो ये हमारा कॉमेट्स हो गया, तो हमने कॉमेट्स पर टिक कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी, सी में क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करना है आपको द ऑब्जेक्ट्स, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर फिल करते जाएंगे साथ में। द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द स्पेस आर कॉल्ड कैलेस्टियल, जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं स्पेस में उसको हम क्या बोलते हैं, कैलेस्टियल, कैलेस्टियल बॉडी होता है। ठीक है, तो कैलेस्टियल बोलते हैं। फिर सेकेंड नंबर है द अर्थ इज थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से कौन सा प्लैनेट थर्ड है, अर्थ, हमारा अर्थ थर्ड से, ओ सॉरी सन से थर्ड प्लैनेट है, मतलब तीसरे नंबर पर आता है। यहां पर देखो सीरियल दिया गया था ना, ठीक है, उस सीरियल को आपको पढ़ लेना, थर्ड नंबर पर अर्थ मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पर दिया गया है द सन इज एक्चुअली अ, क्या है, स्टार है वो। ठीक है, सन क्या है, स्टार है, अभी पढ़ा है पीछे, सन क्या है, स्टार है। फिर सीरियस इज 20 टाइम्स ब्राइटर देन द सन, देखो यहां पर दिया गया है ना सन से कितने टाइम ब्राइटर है, 20, वही दिया गया है, तो यहां पर सीरियस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कॉमेट्स आर लंप ऑफ आइस एंड डस्ट, आपने पढ़ा है ना कॉमेट्स क्या होती हैं, आर लंप्स, मतलब जलती रहती हैं, लंप्स होती हैं, लंप्स जैसे जलती रहती हैं, ऑफ आइस एंड डस्ट, जिसमें क्या होती है, आइस और डस्ट होती है। ठीक है, लंप जैसी होती है ये। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर।
क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया गया है, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट, मतलब कि ट्रू फॉल्स राइट करना है आपको। चलिए देखते हैं, फर्स्ट नंबर, वी नो दैट आवर अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हम जानते हैं कि हमारी अर्थ किसके चारों तरफ घूमती है, अराउंड द सन, टिक कर दो, सही है। फिर सेकेंड क्वेश्चन, द सन एंड द टू प्लैनेट्स टुगेदर फ्रॉम द सोलर सिस्टम, क्या टू प्लैनेट्स होते हैं और सन होते हैं, नहीं प्लैनेट तो एट होते हैं, तो ये गलत हो गया, क्रॉस कर दो। थर्ड नंबर, द अर्थ इज फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, नहीं आगे हमने पीछे पढ़ा है ना कि थर्ड प्लैनेट है वो, फोर्थ प्लैनेट तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये, क्रॉस हो जाएगा। फोर, द सन इज एक्चुअली अ स्टार, ये भी हमने पढ़ा है, देखो यहां ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, सब मिलते जुलते हैं, आप लोगों ने रीडिंग करी होगी तो फिल कर लोगे तुरंत, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, टिक हो गया। द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, फिफ्थ नंबर पर क्या है, द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, अर्थ के क्या क्या रखता है, वन सैटेलाइट, तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर, तो सभी लोग डालेंगे क्वेश्चन ई डाल लेंगे, ई डालने के बाद राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है, आप लोग इसको नोट करने के बाद नीचे डालोगे क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन डाल दोगे, क्वेश्चन वन में लिखोगे नेम द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, आपने क्या राइट कर दिया, नेम द मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, राइट कर लिया सभी लोगों ने, अब इसको नोट्स नोटबुक पर राइट करना है, ठीक है, अपनी नोट्स निकालो और राइट करो। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन राइट कर देना है, ठीक है, फिर उसके बाद द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर, कौन कौन से मेंबर हैं सोलर सिस्टम के, स्टार्स हो गए, द सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, डोजेंस ऑफ मून्स हो गए, एंड मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, एंड मेटेरियोइड्स हो गए, ठीक है, मेटेरॉइड्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है, तो सारे के सारे जो भी चीज होते हैं, जैसे हमारे घर में चार लोग हैं तो मेंबर कितने हैं हमारे घर के, फोर, ओके, तो वैसे ही है कि जो भी चीजें पाई जाती है सोलर सिस्टम में सबके बारे में हमको राइट कर देना है, ठीक है, ये मेंबर्स हो गए सारे के सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, तो आप लोग लर्न रखिएगा ये सारी चीजें कि स्टार्स हो गया, सन, प्लैनेट्स, डोजेंस ऑफ मून्स एंड मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेट्रॉइड्स। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट से आप क्या समझते हो, तो यहां पर हम राइट करेंगे इसका आंसर, आपको बुक में भी मिल जाएगा आंसर, क्वेश्चन राइट कर दिया आपने, आंसर राइट करना है, द फिक्स्ड पाथ ऑन विच अ हेवनली बॉडी मूव्स अराउंड द सन, एक फिक्स पाथ क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि साइकिल का पहिया होता है ना, वो उसकी धुरी होती है जिसपे घूमता रहता है, ठीक है, फिक्स पाथ पर घूमता रहता है, ना इधर होता है ना उधर होता है, क्यों, आगे पीछे तो होता नहीं है, जब हम बढ़ते हैं तो स्पीड जाती, लेकिन जो साइकिल का पहिया होता है वो कम ज्यादा या नहीं होता है, वो फिक्स पाथ पर घूमता रहता है, ठीक है, तो द फिक्स्ड पाथ ऑन ऑन विच अ हेवनली बॉडी मूव्स अराउंड द सन, तो ठीक है, तो हेवनली बॉडी, जो भी हेवनली बॉडी होती है, मतलब कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, कच्छ, ठीक है, उस पाथ को बोलते हैं कच्छ, उस रास्ते को, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया गया है, वेयर डज द मून गेट इट्स ओन लाइट फ्रॉम, आपने पढ़ा है ना कि मून की तो खुद की लाइट होती नहीं, फिर वो कहां से लाइट पाता है, आ गया होगा आंसर सबके मन में, आ गया है ना, चलिए राइट कर लेते हैं अब, द मून गेट्स इट्स ओन लाइट फ्रॉम द सन, हाँ मून किससे लाइट पाता है अपनी, सन से, सन की लाइट को वो लेता है और फिर उसी लाइट को वो रात को जैसे चमकता है ना, कह दो कि रात को सूर्य चमकता है ना, तो वो लाइट किसकी होती है, वो सन की होती है, मून की खुद की लाइट नहीं होती है, बिकॉज इट हैज नो लाइट इट्स ओन, क्यों वो सन से क्यों लेता है, क्योंकि उसके पास खुद की तो लाइट नहीं होती है, इसलिए वो सन की लाइट लेता है और रिफ्लेक्ट करता है, उसी को दिखाता है वो, ठीक है, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया गया है, व्हाट इज कॉमेट्स, ठीक है, कॉमेट्स क्या है, तो कॉमेट्स के बारे में राइट करेंगे, चलिए कॉमेट्स वाला आप लोग देखोगे ना पेज नंबर कौन सा है, सेवन, देखो दिया गया है कॉमेट्स, तो यही राइट कर लेना है आपको, चलिए राइट कर लेते हैं, तो आप यहां से राइट करिएगा,
द टेल्ड स्टार्स आर कॉल्ड कॉमेट्स, जो टेल्ड स्टार होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स आर लम्ब्स ऑफ आइस एंड डस्ट, जो कॉमेट्स होते हैं वो लम्ब्स ऑफ आइस, आइस की लंप जैसे, एंड डस्ट ट्रेवल अराउंड द सन, जो कि सन के चारों तरफ ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, घूमते रहते हैं। तो आप लोग की क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं और पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गई है। तो अब क्या करोगे, आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, बाकी तो ये एक बार पढ़ लोगे एक्सरसाइज, जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, टिक द करेक्ट, तो आपको आ जाना है, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करना और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, फिर आप लोग का टेस्ट होगा, तो टेस्ट में अपना बेस्ट देना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, कीप ऑन योर स्टडी।